हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 30 डेज ऑफ नाइट पार्ट 2। इसका ऑफिशियल टाइटल है 30 डेज ऑफ नाइट डार्क डेज और ये 2010 में रिलीज हुई थी, फर्स्ट पार्ट के 3 साल बाद। ये मूवी भी उसी कॉमिक बुक सीरीज पर बेस्ड है, लेकिन इसे ज्यादा बड़े बजट में नहीं बनाया गया और ना ही इसे थिएटर्स में रिलीज किया गया था। इसे सीधा डीवीडी के थ्रू रिलीज किया गया था। इसमें फर्स्ट पार्ट के आगे की स्टोरी दिखाई गई है, तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके पहले वो देख लो, नहीं तो इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसमें स्टेला का रोल करने वाली एक्ट्रेस को भी बदला गया है। वीडियो के एंड में हम इस मूवी के ऊपर डिटेल में बात करेंगे इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स के साथ, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है स्टेला से, जो कि 1 साल पहले हुए उस वैम्पायर हमले को भूल नहीं पाई थी। वो बताती है कि वैम्पायर्स ने 98 लोगों को मारा था और सबूत मिटाने के लिए पूरा टाउन भी जला दिया था। टाउन भी दोबारा बन गया और लोग भी सब कुछ भूल गए, लेकिन वो अपने हस्बैंड एबन को नहीं भूल पाई थी। वो वैम्पायर्स के असलियत सबके सामने लाने के लिए दुनिया भर में भटक रही थी, लेकिन कहीं से भी उसे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। एक दिन उसे डेन नाम के आदमी का मैसेज मिलता है कि वैम्पायर्स लॉस एंजल्स में है। स्टेला वहां भी जाकर एक कॉन्फ्रेंस करती है, जो कि वो कई जगह कर चुकी थी। इसमें वो उन वैम्पायर्स के होने का सच लोगों को बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर कभी यकीन नहीं करता। लेकिन इस बार उसने कुछ और इंतजाम भी किए थे। उसे पता चल चुका था कि उसकी हर एक कॉन्फ्रेंस में वैम्पायर्स भी आते हैं, इसलिए इस बार उसने वहां पर अल्ट्रावायलेट लाइट्स भी लगा रखी थी। वो लाइट्स ऑन कर देती है और ऑडियंस में बैठे 2 वैम्पायर्स बुरी तरह जलने लगते हैं। ये देखकर बाकी लोग पागलों की तरह वहां से भागने लगते हैं। देखते ही देखते वो पूरा हॉल खाली हो जाता है और वहाँ 2 वैम्पायर्स की लाशें बिक जाती हैं। स्टेला जैसे ही वहाँ से बाहर निकलती है, एजेंट नॉरिस उसे अरेस्ट कर लेता है। वो उसे ले जाकर उससे पूछताछ करता है, लेकिन उसके साथ कुछ ठीक नहीं था। एक तो वो बहुत ज़्यादा बीमार था और दूसरा वो उन वैम्पायर्स के लिए काम करता था। उसने स्टेला के सारे किए कराए को कवर अप कर दिया था, लोगों को ये बताकर कि वो सिर्फ एक स्टंट था। वो स्टेला को हरेस करता है और धमकियाँ देकर उसे छोड़ देता है। पूरे रास्ते वो यही सोच रही थी कि किसी तरह उसने सबको सच दिखा भी दिया, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। होटल पहुंचकर वो देखती है कि 3 लोग उसके रूम में बैठे थे, पॉल, एम्बर और टॉड। उन्हें डेन ने भेजा था। वो सब भी स्टेला की तरह उन वैम्पायर्स के विक्टिम्स थे। उनकी फैमिलीज को भी मार दिया गया था। वो बताते हैं कि वो डेल के साथ मिलकर उन वैम्पायर्स का शिकार कर रहे हैं और वो स्टेला को लेने आए हैं क्योंकि अब उसकी जान को खतरा है। लेकिन स्टेला उनकी बातें सुनकर सोच में पड़ चुकी थी। वो अब तक सिर्फ उन वैम्पायर्स का पर्दाफाश करने के पीछे लगी हुई थी। उसके दिमाग में कभी आया ही नहीं कि कोई उनका शिकार भी कर सकता है। एम्बर कुछ देर के लिए बाहर जाती है और वो देखती है कि एक वैम्पायर स्टेला को मारने वहां पहुंच चुका था। वो जल्दी से अंदर जाकर सबको अलर्ट कर देती है। वो सब उस वैम्पायर के लिए तैयार थे। जैसे ही वो अंदर आने लगता है, वो तीनों उसे भून देते हैं और ये देखकर स्टेला को यकीन हो जाता है कि उनका भी शिकार किया जा सकता है। वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। कार में वो उसे बताते हैं कि उन्हें वैम्पायर्स की क्वीन लिलिथ का पता चल चुका है। लिलिथ ही सभी वैम्पायर्स को कंट्रोल करती है और उसके बिना वो सब कुछ भी नहीं है, इसलिए वो लिलिथ को मारने का प्लान बना रहे हैं क्योंकि उसके मरने के बाद पूरा नेटवर्क ही खत्म हो जाएगा। उधर होटल में एक कपल उस वैम्पायर की डेड बॉडी को देख लेता है और तभी नॉरिस भी वहां पहुंच जाता है। इधर वो सब डेन के पास पहुंच जाते हैं और डेन को देखकर स्टेला उसके ऊपर गन तान देती है क्योंकि वो भी एक वैम्पायर था, लेकिन उसका इंसानी हिस्सा अभी भी उसके अंदर जिंदा था। स्टेला को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। डेन उसे दिखाता है कि वो हॉस्पिटल के स्टॉक का पैकेज ब्लड पीता है। वो भी उन वैम्पायर्स का विक्टिम है और वो भी उनसे नफरत करता है, इसीलिए वो उन्हें खत्म करने का प्लान बना रहा है। वो उन्हें कुछ पुराने टनल्स के बारे में बताता है जिनमें वैम्पायर्स का ठिकाना था। सुबह होते ही उन्हें उन पर हमला करना था, लेकिन स्टेला इस प्लान का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। वो सब ये काम काफी टाइम से कर रहे थे, लेकिन स्टेला ये सब सोचकर ही डर रही थी। लेकिन सिर्फ यही एक ऐसा तरीका था जिससे वो एबन की मौत का बदला ले सकती थी, इसलिए वो भी तैयार हो जाती है। उधर हम देखते हैं नॉरिस को, जो कि लिलिथ से मिलने जाता है। लिलिथ वहाँ खून में नहा रही थी। वो उसे कहता है कि उसने होटल के विटनेसेस को पकड़ लिया है और साथ ही उसने स्टेला को भी डरा दिया है, जिससे वो शहर छोड़कर भाग जाएगी। लेकिन लिलिथ उसकी बातों से कुछ खास खुश नहीं थी। सुबह होते ही वो सब टनल में घुस जाते हैं। वो चलते रहते हैं, लेकिन वैम्पायर्स का कोई भी पता नहीं चलता। थोड़ी आगे जाकर उन्हें एक आदमी उल्टा लटका हुआ मिलता है, जिसका सर कटा हुआ था। वो उसका खून जमा कर रहे थे। चलते चलते वो सनलाइट से बहुत दूर चले जाते हैं, जो कि उनके प्लान का हिस्सा नहीं था। एम्बर उन्हें वापस चलने के लिए कहती है, लेकिन वो चलते जा रहे थे। तब वो पैनिक करने लगती है और उसकी आवाज़ सुनकर वैम्पायर्स उन पर हमला कर देते हैं। वो सब उन पर फायरिंग करते हैं,
लेकिन एक वैम्पायर पीछे से टॉड को पकड़कर उसे काट लेती है। किसी तरह वो टॉड को बचाते हैं, लेकिन और ज़्यादा वैम्पायर्स आते जा रहे थे। तब वो टॉड को उठाकर एक सेलर में ले जाते हैं और खुद को अंदर लॉक कर लेते हैं। वो देखते हैं कि टॉड भी उनमें से एक बनता जा रहा था, लेकिन पॉल उसे मारना नहीं चाहता था। वो सोच रहा था कि शायद टॉड भी डेन की तरह खुद पर काबू रख पाए, लेकिन टॉड उसके ऊपर हमला कर देता है। तब स्टेला एक ब्लॉक उठाकर टॉड के सर पर दे मारती है। वो उस ब्लॉक से टॉड का हेड क्रश करके उसे मार देती है। अब वो सिर्फ तीन ही बचे थे और बाहर जाकर वो उनका सामना नहीं कर सकते थे। वो डिसाइड करते हैं कि वो रात होने का वेट करेंगे और जब वैम्पायर्स बाहर शिकार पर चले जाएंगे तब वो वहाँ से निकल जाएंगे। वो सब इंतज़ार करते हैं और रात होते ही कोई वहाँ आ जाता है। वो देखते हैं कि वो एक वैम्पायर था, लेकिन पॉल दरवाज़ा खोल देता है क्योंकि वो डेन था। वो उन्हें वहाँ से लेकर जाने लगता है, तभी एक वैम्पायर उनके सामने आ जाता है। वो सब सारी गोलियाँ उसके अंदर उतार देते हैं, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारते। वो उसे उठाकर अपने ठिकाने पर ले आते हैं और उससे लिलिथ के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वफादार था। वो जलता रहता है लेकिन लिलिथ के बारे में कुछ भी नहीं बताता। वो उसे कहते हैं कि अगर आज़ाद होना है तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तब वो बताता है कि जैसे ही 30 दिन के लिए सूरज छुपेगा, वो फिर से अलास्का में हमला करने वाले हैं और सूरज छुपने में सिर्फ 3 दिन ही बचे थे। उसकी इन्फॉर्मेशन के बदले वो उसे छोड़ देते हैं, लेकिन वो उसका पीछा करते हैं और वो उन्हें वैम्पायर्स के दूसरे ठिकाने तक ले जाता है, लेकिन वो तभी उन पर हमला नहीं करते। इस बार वो एक अच्छा प्लान बनाते हैं और सुबह होने का वेट करते हैं। सुबह होते ही वो उसके बाहर एक C4 एक्सप्लोजिव लगाकर अंदर घुस जाते हैं। अंदर उन्हें एक लड़की मिलती है, जेनिफर। वैम्पायर्स उसका खून निकालकर जमा कर रहे थे। वो उसे आज़ाद कर देते हैं और तभी वैम्पायर्स भी उन पर हमला कर देते हैं। कई सारे वैम्पायर्स उन्हें घेर लेते हैं और इस सब के बीच उस एक्सप्लोजिव का डेटोनेटर एम्बर के हाथ से गिर जाता है। तब स्टेला ऊपर शेड में शूट करने लगती है, जिससे शेड में छेद हो जाते हैं और सनलाइट अंदर आने लगती है। इससे सभी वैम्पायर्स उनसे दूर हो जाते हैं और उन्हें डेटोनेटर भी दिख जाता है, लेकिन वो अंधेरे में पड़ा था। स्टेला जल्दी से भागकर उस डेटोनेटर का बटन दबा देती है। वहाँ की दीवार डिस्ट्रॉय हो जाती है और सूरज की रोशनी में सारे वैम्पायर्स जलकर मर जाते हैं। उधर हम देखते हैं नॉरिस को, जो कि लिलिथ को कहता है कि उसे डेन का ठिकाना पता चल चुका है। वो लिलिथ से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे भी टर्न कर दे, क्योंकि उसकी बीमारी उसे खाए जा रही थी। लिलिथ उससे उसकी वफादारी का सबूत मांगती है। तब नॉरिस एक लड़की के गले पर काट कर तब तक उसका खून पीता है जब तक कि वो मर नहीं जाती। लिलिथ खुश हो जाती है और अपना खून उसे पिलाकर उसे भी वैम्पायर बना देती है। उधर वो सब जेनिफर से पूछताछ कर रहे थे। वो उन्हें बताती है कि उन्हें एक शिप पर रखा गया था। तभी कोई उनके दरवाजे पर नॉक करता है। डेन चेक करने जाता है, तभी वो उसे गोली मार देता है। वो नॉरिस था। वो सब जल्दी से कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। वो सीधा बोट यार्ड पर जाते हैं, जहां जेनिफर उन्हें बता देती है कि लिलिथ कौन से शिप में छुपी है। वो जेनिफर को वापस भेज देते हैं और खुद उस शिप पर चढ़ जाते हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने कोई प्लान नहीं बनाया था। शिप में पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि जले हुए वैम्पायर्स के मुंह में खून डालकर उन्हें फिर से जिंदा किया जा सकता है। वो छुप छुप कर आगे बढ़ रहे थे, तभी वो शिप चल देता है। वो शिप को रोकने के लिए उसके कैप्टन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारे लोग लटके हुए मिलते हैं, जिनका खून निकाला जा रहा था और उनमें से कुछ जिंदा भी थे। किसी तरह वो कैप्टन तक पहुंच जाते हैं, जो कि एक इंसान ही था। वो बताता है कि वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी फैमिली उनके कब्जे में है। तभी पीछे से एक वैम्पायर एम्बर को खींचकर ले जाता है और उसके गन चलने से कैप्टन मर जाता है। पॉल और स्टेला उसे बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। वैम्पायर्स मिलकर उसका खून पी रहे थे। एम्बर की सफरिंग एंड करने के लिए पॉल उसे गोली मार देता है। तभी सारे वैम्पायर्स वहां आकर उन्हें घेर लेते हैं। लिलिथ वहां आती है और उनका खून निकालने का ऑर्डर दे देती है। नॉरिस उन्हें ले जाकर लटका देता है और पहले वो पॉल के हाथ पर कट मारता है। जैसे ही वो स्टेला के पास पहुंचता है, वो उसी का सहारा लेकर आज़ाद हो जाती है। वो एक हुक को नॉरिस की आंख में घुसा देती है, लेकिन इतने से वो मरने वाला नहीं था। तब वो एक कुल्हाड़ी से उसका सर काट देती है। वो पॉल को आज़ाद करती है और वो दोनों जाकर शिप के कंट्रोल्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, जिससे शिप रुक जाता है। लेकिन तभी लिलिथ वहाँ आ जाती है और पॉल को मार देती है। स्टेला उससे बचने की कोशिश करती है। स्टेला को ढूंढते हुए लिलिथ अपने बाथटब तक पहुँच जाती है। अचानक ऊपर से खून टपकने लगता है। जैसे ही वो ऊपर देखती है, स्टेला टब से निकलकर उसकी गर्दन काट देती है। बाकी वैम्पायर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन वो चुपचाप स्टेला को वहाँ से जाने देते हैं। स्टेला वहाँ पर पुलिस को बुला लेती है, लेकिन उस शिप के बारे में कभी भी कोई न्यूज़ नहीं दिखाई गई। गवर्नमेंट ने वैम्पायर्स को सीक्रेट ही रखा। स्टेला वापस बैरो चली जाती है।
वहां जाकर वो एबेन की कब्र खोदकर उसकी बॉडी को घर ले आती है। वो उसे अपना खून पिलाकर जिंदा करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिख रहा था। काफी सारा खून बह जाने से वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो एबेन को सामने खड़ा देखती है। वो जल्दी से उसके गले लग जाती है, लेकिन एबेन अब पुराना एबेन नहीं था। वो उसकी गर्दन पर काट लेता है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। डेड लवर को जिंदा करने का आइडिया हर बार काम नहीं आता, तो ये मूवी भी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर इसे पहले पार्ट से कंपेयर करें तो ये उसका सीक्वल बिल्कुल भी नहीं लगती। ये एक स्ट्रेट हॉरर एक्शन मूवी है और पहले पार्ट के मुकाबले इसकी स्टोरी कुछ भी नहीं है। उसमें भी एक्शन था, लेकिन उसमें ड्रामा, इमोशन और भी बहुत सारी चीजें थी। जैसे हर एज ग्रुप के लोग उसमें दिखाए गए थे, बूढ़े भी और बच्चे भी। साथ ही उस मूवी में कई सारे मैसेजेस भी थे। इन सब चीजों से हम एक स्टोरी से और भी ज्यादा कनेक्ट करते हैं। इस मूवी की स्टोरी को और भी अच्छा किया जा सकता था, क्योंकि पिछले पार्ट में एबेन का भाई जेक भी बच गया था, जिसका कोई जिक्र इस मूवी में नहीं किया गया। उसको भी स्टोरी में ऐड किया जा सकता था, जिससे इस मूवी में थोड़े और इमोशंस ऐड होते। खैर, यहाँ पर यह सीरीज खत्म होती है, लेकिन इसके ऊपर 2007 में एक टीवी सीरीज भी बनी थी, जिसका नाम है 30 Days of Night ब्लड ट्रेल्स। वो फर्स्ट पार्ट का प्रीक्वल है और काफी ज्यादा पॉपुलर डिमांड के बाद उसे बनाया गया था। उसमें फर्स्ट पार्ट के इंसिडेंट्स के पहले की स्टोरी दिखाई गई है। इसके आगे 2008 में एक और टीवी सीरीज आई थी, जिसका नाम था 30 Days of Night डस्ट टू डस्ट। इनमें वही स्टोरी दिखाई गई है जो कि मूवीज में से हटा दी थी। मैंने ये सीरीज नहीं देखी है, इसलिए मैं इनका रिव्यू नहीं दे सकता कि ये अच्छी है या बुरी, लेकिन ज्यादातर रिव्यू इनके नेगेटिव ही हैं। लोग इन्हें बोरिंग बताते हैं। अब बात कर लेते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। वो सीन जिसमें लिलिथ खून में नहा रही थी, वो डायरेक्ट रेफरेंस है एलिजाबेथ बैथरी का। वो 16th सेंचुरी की सबसे भयानक मर्डरर थी। वो जवान लड़कियों को मारकर उनके खून में नहाती थी, ताकि वो हमेशा जवान रहे। उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, क्योंकि कोई गिनती नहीं है कि उसने कितनी लड़कियों को मारा था। एक रफ अंदाजा जो उसकी किसी सर्वेंट ने बताया था वो था 650। उसके ऊपर अलग से एक पूरी वीडियो बन सकती है। वो उन हिस्टोरिकल फिगर्स में से एक है जिन्हें मॉडर्न कल्चर में वैम्पायर्स के रूप में देखा जाता है। फर्स्ट पार्ट में जिस एक्ट्रेस ने स्टेला का रोल किया था, वो इस पार्ट में भी वापस आना चाहती थी, लेकिन उसका शेड्यूल ठीक नहीं बैठ रहा था, इसलिए फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने किसी और को कास्ट कर लिया। जो टनल वाला सीक्वेंस था, वो एक अबैंडन मेंटल इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में शूट किया गया था। इस मूवी की शूटिंग 25 दिन के अंदर पूरी कर ली गई थी। जो ब्लड डेन के पास था, वो असल में ग्रेपफ्रूट और क्रैनबेरी का जूस था। ओरिजिनल स्टोरी में स्टेला बाथटब में छुपकर लिलिथ को नहीं मारती, ये शूटिंग के टाइम पे ही इम्प्रोवाइज किया गया था। तो ये थे इस मूवी से जुड़े कुछ फैक्ट्स। आप बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।